दोस्तों आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपीएल कंपनी का साफ फंगिसाइड। कौन कौन सी फसलों में अपन इसको यूज में ले सकते हैं, परफेक्ट डोज क्या होनी चाहिए, कौन से समय में इसको देना चाहिए, कौन कौन सी डिजीज को यह कंट्रोल करता है, कंप्लीट डिटेल आज के वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट आप तक फटाफट पहुँच रहे। तो जो साफ फंगिसाइड आता है दोस्तों यूपीएल कंपनी का आता है और यह एक कॉन्टैक्ट प्लस सिस्टेमिक फंगिसाइड है। ये देखिए दोस्तों, यह एक कॉन्टैक्ट प्लस एक सिस्टेमिक फंगिसाइड है। इसमें आता है कार्बेंडाजिम आता है 12% और मैनकोजेब आता है 63%। कार्बेंडाजिम आता है दोस्तों, यह एक सिस्टेमिक फंगिसाइड है यानी अंतर प्रवाही फफूंद नाशक है। ये क्या करता है कार्बेंडाजिम दोस्तों, प्लांट के अंदर पत्तों से अंदर एंटर करके और फिर प्लांट के अंदर सर्कुलेट होकर के जो भी फंगस जनित डिजीज है उसे नष्ट करता है। साथ ही जो मैनकोजेब आता है वह आता है इसमें दोस्तों 63% और यह क्या है, एक कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है यानी इसके जो कॉन्टैक्ट में फंगस जनित जो भी डिजीज आती है, जो भी फफूंद आता है उसे ये नष्ट करता है। इस तरीके से यह सिस्टेमिक प्लस कॉन्टैक्ट यानी मिक्सचर फंगिसाइड है। कितना प्रभावकारी है, कौन कौन सी फसलों में यूज कर सकते हैं, तो दोस्तों यह एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगिसाइड है यानी कि सिर्फ एक डिजीज को नहीं, यह मल्टीपल बहुत सारे डिजीज को एक साथ में कंट्रोल करता है। अब इसकी फसलों की बात करें कि इसको कौन कौन सी फसलों में यूज में ले सकते हैं, तो दोस्तों अभी सबसे ज़्यादा मूंगफली की फसल आ रही है तो मूंगफली में यूज कर सकते हैं। गोभी, मिर्च, टमाटर, आलू, धान, मैंगो, ग्रेप्स, इनमें अपन इसको यूज में ले सकते हैं। अब इसकी डिजीज की बात करें कि यह फंगिसाइड हमारी फसलों में कौन कौन सी डिजीज को कंट्रोल करता है, तो एंथ्रेक्नोज, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, उसके साथ ही लीफ स्पॉट, ब्लिस्टर ब्लाइट, ग्रे ब्लाइट, ब्लैक रोट, कॉलर रोट, रूट रोट, फ्रूट रोट, इसके साथ ही यह डाईबैक, इन डिजीज को कंट्रोल करता है। दोस्तों अब इसकी प्राइस की बात करें तो दोस्तों मार्केट में 500 ग्राम 1 kg, 2 kg, 5 kg के भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं। 1 kg साफ फंगिसाइड की MRP है 900 रुपये, लेकिन यह मार्केट में लगभग 550-600 रुपये में अवेलेबल हो जाता है। अब दोस्तों अगर डोज की बात करें, क्योंकि डोज सबसे इम्पोर्टेंट होता है, कोई सा भी फंगिसाइड या इंसेक्टिसाइड कुछ भी यूज करें, डोज परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है हमारी फसलों में। तो इसकी सही डोज है 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप घोल तैयार करके फिर आप स्प्रे करेंगे। और 1 एकड़ की बात करें तो 200 लीटर पानी में 400 ग्राम डाल करके आप अच्छे से मिक्स करें, घोल बनाएं और फिर आप स्प्रे करें। 1 एकड़ के लिए 200 लीटर पानी सफिशियंट होता है, लेकिन विशेष सावधानी दोस्तों ये रखनी है कि आपको स्प्रे अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग आप जब भी कर रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि बारिश कम से कम 2-3 घंटे नहीं आनी चाहिए, तभी इसका 100% रिजल्ट मिलेगा हमारी फसलों में। तो टाइम अपना उसी अनुसार शेड्यूल बनाएं कि बारिश का समय ना हो। अगर बारिश आ गई 2-3 घंटे से पहले तो 100% रिजल्ट नहीं मिलता है। इसके साथ में इंसेक्टिसाइड को यूज कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो यूज किया जाता है हमारे सीड उपचारित करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। वैसे तो आजकल दोस्तों लगभग सारे सीड ही हम चाहे गेहूं के ले रहे हैं, खरबूजे, तरबूज या वेजिटेबल्स, वो ट्रीटेड आते हैं, ऑलरेडी ट्रीट किए हुए आते हैं, उपचारित किए हुए आते हैं, तो हमें उपचारित करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन फिर भी आज भी हम लोग क्या करते हैं, परंपरागत यानी जो घर में सीड होते हैं उन्हीं को हम लोग, उन्हीं की बुआई करते हैं, उन्हीं से फसल लेते हैं। तो उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में सीड उपचारित करना बहुत ही ज़रूरी होती है। तो ये इसका बहुत ही अच्छा बेनिफिट है कि इससे हम हमारे सीड उपचारित कर सकते हैं। 1 क्विंटल सीड उपचारित करने के लिए 400 से 500 ग्राम तक आप साफ फंगिसाइड यूज करें। 1 किलो सीड उपचारित करने के लिए 4 से 5 ग्राम तक
साफ फंगिसाइड यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी विशेष सावधानी ये है दोस्तों कि सीड उपचारित करने के बाद में उनको धूप में न सुखाएं, छाया में सुखा करके फिर आप यूज में लें। सीड उपचारित करने से बेनिफिट ये होता है कि शुरुआती स्टेज में जो फंगस जनित डिजीज आती हैं तो वो नहीं आती हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोल होती हैं और सीड ग्रो भी सारे, लगभग सारे सीड ग्रो हो जाते हैं। तो सीड उपचारित करके अगर आप फसल बोएं तो साफ फंगिसाइड का यूज में ले सकते हैं। और भी इसी तरह की जानकारी के लिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी किसान दोस्तों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।